नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है सुनील की। सुनील जो कि एक बहुत ही छोटे गांव का रहने वाला गरीब इंसान था, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ थीं। उन बहुत सारी परेशानियों के साथ साथ उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी और कमी थी पैसों की कमी। उसके पास ना तो कोई ढंग का काम था और ना ही पैसे आने का कोई अलग स्रोत था। उसके पास पैसे की कमी होने के वजह से उसके ज़िंदगी की परेशानियाँ दोगुनी तीन गुनी हो चुकी थी। वो काफ़ी जगह पर हाथ पैर मार चुका था काम और नौकरी के लिए, लेकिन छोटे से गांव में रहने के वजह से उसकी ज़िंदगी से काम की परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती थी। उसने एक बार अपने माता पिता से बात करके ये तय किया कि अब इस गांव में रहकर कुछ भी नहीं होने वाला। उनके पास खेती बाड़ी के लिए कोई ज़मीन भी नहीं जिनसे कि वो थोड़ा बहुत खेती करके अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। इसलिए बेहतर अब यही होगा कि वो लोग गांव से शहर के तरफ का रुख करें। ये बात उसके माता पिता को भी सही लगी, क्योंकि उनको भी पता था यहाँ रहने पर कुछ भी नहीं होने वाला, तो बेहतर यही होगा कि वो शहर ही चले जाएं। लेकिन सुनील के पिता शहर नहीं जाना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर तुम शहर जाना चाहते हो तो पहले तुम शहर जाओ और जाकर वहाँ पर जो भी काम धंधा ढूंढना है वो ढूंढ कर, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि फिर हमें वहाँ आना चाहिए तब तुम हमें ये बात बता देना, हम दोनों वहाँ पर चले आएंगे। लेकिन अभी तुम खुद शहर में नए नए जा रहे हो, तुम्हारे भी रहने और खाने का वहाँ शायद ही कोई ठिकाना या इंतज़ाम तुम कर पाओगे, इसलिए तुम्हारी मुश्किल और ना बढ़ जाए। इससे बेहतर है कि पहले तुम अकेले जाओ। ये बात कहीं ना कहीं सुनील को भी सही ही लगी। सुनील ने अपने माता पिता से कहा कि शहर में उसका एक बहुत पुराना दोस्त रहता है जो कि कई सालों से वहाँ पे छोटे मोटे काम करके अब अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बिता रहा है। उसी से उसकी बात हुई है और वो वहाँ पर जाकर उसके साथ ही कोई ना कोई काम ढूंढ लेगा, क्योंकि उसने उससे काम ढूंढने में मदद करने का वादा भी किया है। और जब तक उसके कहीं रहने का इंतज़ाम नहीं होगा, वो उसी के साथ उसी के घर पर रहने वाला है। ये बात सुनकर अब सुनील के माता पिता को उसका शहर जाने का जो भी डिसीज़न था वो सही लगने लगा। उन्होंने सुनील को जाने की इजाज़त दे दी। सुनील भी शहर अपने दोस्त से बात करके पहुंच गया। उसके दोस्त ने अपने किए हुए वादे के मुताबिक उसके लिए उसके साथ जाकर नौकरी की बात करने में उसकी मदद करना शुरू कर दिया। उसने पहले से भी एक दो जगह पर बात करके रखी थी, लेकिन वहां सुनील के जाने पर कोई खास बात नहीं बनी। और अब सुनील को एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहां पर उसके मन मुताबिक उसे पैसे मिल रहे थे, और वो काम कोई ऐसा बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं था, वो चौकीदारी का काम था। उसे एक बिल्डिंग की चौकीदारी के काम के बारे में पता चला था। उसने अपने दोस्त से राय विचार किया और दोस्त ने भी कहा, इसमें पैसे तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो तू ज़्यादा सोच मत, हम आज ही जाकर तेरी नौकरी के बारे में वहाँ पर बात करेंगे, और जैसा भी होगा वहाँ पर तेरी नौकरी अगर तय हो जाती है तब फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। सुनील और उसका दोस्त दोनों एक साथ वहाँ पर नौकरी के बारे में बात करने के लिए पहुँच गए। लेकिन जब वो वहाँ पर गए तो जिस आदमी से उन्हें मिलना था वो आदमी वहाँ पर उस वक्त नहीं था। उस बिल्डिंग में पहले से एक चौकीदार था। उसने कहा
यहाँ का मालिक अभी यहाँ पर नहीं है, वो आधे घंटे में यहाँ आ जाएगा, तब तक आप दोनों यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। लेकिन जब मालिक वहाँ पर आया तो मालिक ने सुनील से पूछा, यहाँ पर नौकरी कौन करने वाला है, तुम दोनों या फिर कोई एक? सुनील ने तुरंत कहा, वो ये नौकरी करने वाला है। ये बात सुनते ही मालिक ने तुरंत उसके दोस्त को वहाँ से जाने को कह दिया। उसने कहा, उसे सुनील से अकेले में बात करनी है। ये बात सुनकर सुनील के दोस्त ने भी सुनील से कहा, तू अपनी बात कर ले, मैं यहीं कहीं घूमता रहूँगा, जब तेरी बात हो जाएगी तो तू आ जाना, फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अब सुनील अकेले उस नौकरी देने वाले इंसान से बातें कर रहा था कि नौकरी क्या है, पगार कितनी है, काम कब से कब तक करना है। उस इंसान ने सुनील को सारी जानकारी देनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुम्हारा रहना खाना सब कुछ यहीं पर होगा और तुम्हें रात में चौकीदारी करनी है, लेकिन तुम अपने घर नहीं जा सकते। तुम्हें ये काम तो करना चौकीदारी का है, लेकिन इसमें हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम इस नौकरी के लिए मान जाते हो तो तुम्हें इस जगह पर रहकर कम से कम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तुम इस बीच में कभी भी नौकरी अगर चाहो भी तो छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम नौकरी छोड़कर यहाँ से जाने की सोचो तब तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। सुनील को ये बात सुनकर थोड़ा झटका लगा, क्योंकि सुनील ने ऐसा पहले कभी भी नहीं सुना था। सुनील ने अब इस बारे में जानने की कोशिश की कि उसे चौकीदारी कहाँ पर करनी है, वो इस तरह की बातें क्यों बोल रहा है। फिर उस इंसान ने बताया कि उनके कई सारे बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सुनील को चौकीदारी के लिए जो इतने पैसे मिल रहे हैं वो एक मॉर्चरी की चौकीदारी करनी है, और उस मॉर्चरी के अंदर उसे कभी भी नहीं जाने की ज़रूरत है। उसे बस बाहर रहकर ये देख रेख करनी है कि कोई भी रात के वक्त अंदर ना जा सके। ये बात सुनील को काफ़ी अजीब लगी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मॉर्चरी जहाँ पर लाशें पड़ी होती हैं वहाँ पर चौकीदारी की ज़रूरत क्यों है। उसने ये सवाल सामने वाले इंसान से पूछा। उसने बताया, कई बार ऐसा होता है कि लाशें भी कुछ लोग चोरी कर लेते हैं ऑर्गन्स और बाकी चीज़ों की तस्करी के लिए। ये बात अब सुनील को समझ में आ रही थी। सुनील को ये बात कहीं ना कहीं सही लगी, क्योंकि उसने ये बातें कई बार सुन रखी थी कि लोग लाशों से उसके ऑर्गन्स चुरा कर बेचते हैं। अब सुनील को ये काम सही लग रहा था। उसने कहा, बस इतना ही है, मुझे उस मॉर्चरी के बाहर बैठकर रात भर चौकीदारी करनी है और आप उसके लिए मुझे इतने पैसे देने को तैयार हो। उस आदमी ने कहा, हाँ, क्योंकि उस जगह के बारे में कई सारी अफवाहें हैं, हम तुमसे ये बातें छुपाकर तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहते। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि उस मॉर्चरी में आत्माएं भटकती हैं, जिसके वजह से लोग वहां पर टिक नहीं पाते। ये बात सुनते ही सुनील ठहाके मार मार कर हंसने लगा। थोड़ी देर हंसने के बाद सुनील ने अपने आप को शांत किया और उस मालिक से कहा, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता, और तो और मैं भगवान की भक्ति भी करता हूँ, तो मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। अगर ऐसी कोई मुसीबत होगी भी तो वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ये बात सुनते ही जो मालिक था उसने खुशी खुशी सुनील के हाथ में एडवांस पैसे रख दिए और उसने कहा, तुम कल सुबह आ जाना, मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके रखूँगा, तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और तुम वहाँ पर जाकर अपना काम शुरू कर देना, और वहाँ पर जो इंसान
दिन की चौकीदारी करता है, वो तुम्हें तुम्हारे रहने की जगह और खाने पीने का कैसा क्या इंतज़ाम है सब तुम्हें बता देगा। ये बात सुनकर सुनील की खुशी का अब ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस इंसान ने ये बताया था कि सुनील के वहाँ रहने खाने सबके पैसे बिल्कुल मुफ्त हैं, उसे ये सारी फैसिलिटीज़ मुफ्त में ही मिलने वाली है। ये बात सुनते ही उसने अपने मालिक से पूछा कि मालिक, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं उस घर में चाहूँ तो अपने माता पिता को भी कुछ दिन में बुला सकता हूँ क्या? ये बात सुनते ही मालिक ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जिन्हें भी चाहो बुला सकते हो, अपने साथ रख भी सकते हो, लेकिन तुम पहले खुद वहाँ जाकर कुछ दिन काम करके देख लो। अगर तुम्हें सब कुछ ठीक लगता है तो तुम अपने माता पिता को बुला लेना, लेकिन तुम खुद नहीं जा सकते क्योंकि इन 6 महीनों में तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम इकलौते वहाँ पर रात के चौकीदार होगे। ये बात सुनकर सुनील ने हामी भर दी और वो खुशी खुशी वो एडवांस के पैसे लेकर वहाँ से चला गया। उसका दोस्त वहीं आसपास घूमता हुआ सुनील का इंतज़ार कर रहा था। उसने दूर से सुनील को आते हुए और काफ़ी मुस्कुराते और खुश खुश उसकी तरफ बढ़ते हुए देखा। ये देखकर उसके दोस्त के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सुनील के नज़दीक आते ही सुनील से पूछा, अरे वाह भाई, क्या बात है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, सब कुछ बढ़िया? सुनील ने कहा, अरे भाई बढ़िया का तो क्या ही बताऊं, मेरा तो नसीब ही खुल गया है, इतनी अच्छी नौकरी मिल गई जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोची थी। ये बात सुनते ही उसके दोस्त ने तुरंत कहा, ऐसा क्या हो गया, थोड़ा हमें भी तो बताओ। सुनील ने अपने हाथ में पकड़े हुए पैसे अपने दोस्त को दिखाते हुए कहा, ये देख, मुझे मालिक ने एडवांस में पैसे भी दिए हैं और तो और वहाँ पर मुफ्त में रहने और खाने की जगह भी दी है, जिसके लिए वो किसी भी तरह के कोई भी पैसे ना मुझसे लेंगे और ना ही मेरे सैलरी में से काटेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर मुझे सब कुछ अच्छा लगता है तो मैं चाहूँ तो अपने माता पिता को भी बुलाकर उसी घर में रख सकता हूँ। ये बात सुनते ही सुनील का दोस्त भी काफ़ी खुश हो गया। उसने कहा, वाह भाई, ये तो पहली ही नौकरी में तेरी तो किस्मत ही बदल गई है, तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, रहने के लिए अच्छा घर मिल रहा है, कुछ ही दिन में सब कुछ ठीक रहा तो तू अपने माता पिता को भी बुला लेगा, क्योंकि रहना खाना सब कुछ मुफ्त है तो तेरे तो सारे पैसे ही बच जाएंगे। सुनील भी काफ़ी खुश था। उसने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने दोस्त से कहा, हाँ भाई, मुझे तो लगता है ये सब भगवान की ही दया है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी नौकरी इतनी जल्दी दिलवा दी। अब मैं जल्दी से वो नौकरी ज्वाइन करके अपने माता पिता को भी बुला लूँगा, बस मालिक ने मुझे कल सुबह सुबह बुलाया है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ये बात सुनते ही सुनील के दोस्त ने थोड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, चौकीदारी की नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सुनील ने कहा, हाँ भाई, सुन तो मैं भी पहली ही बार रहा हूँ, मालिक का कहना है कि मैं 6 महीने तक ये नौकरी नहीं छोड़ सकता और अगर मैं ये नौकरी छोड़ने की सोचूंगा तो मुझे उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। कोई गधा ही होगा जो इतनी अच्छी नौकरी, इतने पैसे वाली, इतनी आराम की नौकरी छोड़ने की बात सोचे भी, तो ये तो मैं करने से रहा। और अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है या कुछ भी करवाना है करवा ले, मैं कौन सा जाने वाला हूँ यहाँ से, वैसे भी उन्होंने कहा है अगर उन्हें मेरा काम और सब कुछ पसंद आया तो वो 6 महीने में मेरे पैसे सीधे दोगुने कर देंगे। अब तू ही बता, इससे अच्छी नौकरी कहीं मिल सकती है क्या? कुछ नहीं करना है, एक मॉर्चरी है उसके बाहर बस बैठकर रात भर मुझे नौकरी करनी है, पहरेदारी करनी है, ताकि कोई चोर वोर आकर वो जो डेड बॉडीज़ होती है ना उनको चुरा कर ना ले जाए। वो बता रहे थे कि ऑर्गन्स की तस्करी होती है, तो इससे पहले भी वहाँ से कुछ लाशें गायब हो चुकी हैं। ये बात सुनकर उसके दोस्त को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने कहा, क्या बोल रहा है तू,
पहले भी वहां से कुछ बॉडीज गायब हो चुकी हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है मरे हुए बॉडीज के ऑर्गन्स बेचे तो नहीं जाते हैं। वो लाशें काम भी अगर आती हैं तो चीड़ फाड़ और बाकी चीज़ों के लिए आती हैं। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। सुनील, सुनील का दोस्त सुनील से ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार था, इसलिए उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। लेकिन सुनील ने उसे शांत करवाते हुए कहा, देख भाई, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और बॉडीज़ कौन चुराता है, क्यों चुराता है, उनका क्या करता है, मुझे क्या करना है। वैसे भी मुझे सिर्फ वहाँ बैठकर दरबानी करने से मतलब है, बाकी चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर सुनील के दोस्त ने भी सुनील के बात में हामी भर दी, क्योंकि उसको भी पता था दरबानी की नौकरी में इतने पैसे मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आज तक उसने ये बात कभी नहीं सुनी थी कि चौकीदारी की किसी भी तरह की नौकरी में इतने पैसे मिल सकते हैं। और ये बात सुनकर वो भी कहीं ना कहीं सुनील के लिए खुश था, क्योंकि अब वो अपने परिवार को अपने साथ रखने का सपना भी पूरा कर पाएगा। सुनील ने अपने गांव में रहते हुए काफ़ी सारी परेशानियां और मुसीबतें देखी थी, जिससे अब उन दोनों को उम्मीद थी कि अब सुनील की ज़िंदगी से वो सारी परेशानियां, मुसीबतें, पैसों की तकलीफ सब कुछ पूरी तरह से दूर होने वाली है। ये बात सुनकर अब दोनों खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगे। दोनों ने आज बाहर से ही कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और घर पर जाकर खाना खाकर आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तय किए हुए समय पर सुनील उस मालिक के पास पहुंच चुका था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। सुनील ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और सुनील उस जगह पर आज ही जाकर अपने रहने का और नौकरी का जगह सब कुछ देख कर आने वाला था। वो जगह देखने के लिए सुनील अकेले ही गया था, क्योंकि आज उसका दोस्त अपने काम पर चला गया था। सुनील पता लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ा। सुनील जब उस जगह पर पहुंचा तो वो जगह काफ़ी शहर से दूर और बाहर थी, लेकिन सुनील को ये बात अजीब नहीं लगी। सुनील वहां पर जब पहुंचा तो वहां पहले से एक चौकीदार मौजूद था, जिसके बारे में उसके मालिक ने उसे पहले से ही बता रखा था। वो वहां पर दिन में दरबानी का काम किया करता था। जब सुनील वहां पर पहुंचा तो वो उससे जाकर मिला। उसने सुनील को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उस जगह पर किसी का भी आना जाना नहीं होता था। और उसने सुनील को अंदर ले जाकर मॉर्चरी और सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया। सुनील ने भी पूरी जगह घूम घूम कर देखी। वो एक ऐसे कमरे में पहुँचे जहाँ पर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। वो देखकर सुनील ने उससे पूछा कि ये यहाँ पर इतना सारा खून कैसे गिरा हुआ है। उसने बताया, यहाँ पर कभी कभी पोस्टमार्टम भी होता है, जिसके वजह से जब शरीर की चीड़फाड़ होती है तो यहाँ पर खून गिर जाता है, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये काम मेरा दिन का है और मैं दिन में जब भी आऊँगा तो पोस्टमार्टम के बाद यहाँ की साफ सफाई और देखरेख सब कुछ मुझे ही करना होता है। तुम्हें तो बस रात में यहाँ पर रहकर बाहर बैठकर चौकीदारी का काम करना है। एक चीज़ अच्छे से याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आवाज़ें आए, लेकिन तुम रात में किसी भी हालत में इस मॉर्चरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर नहीं जा सकते हो। तुम्हें यहीं बाहर बैठे रहना है, आवाज़ें आ जाए। ये बात सुनील के मन में थोड़ी सी अजीब लगी और उसने उस सुबह के पहरेदार से ये सवाल किया,
आवाजें आ जाए, मतलब मैं समझा नहीं कैसी आवाजें आती हैं। तो इस पर सुबह के पहरेदार ने बात को घुमाते हुए सुनील से कहा, थोड़ा चूहे वूहे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से आवाज़ें आ सकती हैं रात में, लेकिन तुम डरना मत और चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हालत में तुम्हें रात में यहाँ का दरवाज़ा नहीं खोलना है, किसी के लिए भी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ इस दरवाज़े के बाहर बैठना ही है और अंदर नहीं जाना है। ये बात सुनील को काफ़ी पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, जब आपने बोल ही दिया मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना, मुझे अंदर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मुझे क्या करना है? मुझे तो यहाँ पर बस बैठना है, चौकीदारी करना है। अब मुझे चलकर वो घर दिखा दीजिए जहाँ मुझे रहना है। तुरंत सुबह का चौकीदार उसे उस मॉर्चरी से मुश्किल से 20 कदम दूरी पर एक छोटे से घर के पास लेकर गया। उस घर में उसने सुनील को दरवाज़ा खोलकर सब कुछ दिखा दिया। घर छोटा था लेकिन काफ़ी प्यारा घर था। उस घर में सब कुछ इंतज़ाम पहले से किया गया था, जो कि सुनील को देखकर काफ़ी खुशी हुई। वहाँ पर किचन में सारा राशन पहले से भरा हुआ था। ये देखकर सुनील ने कहा, ये सारा राशन मेरे लिए है? सुबह के चौकीदार ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये सारा राशन तुम्हारे लिए ही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जो भी हो जाए, तुम यहाँ पर नॉनवेज कभी भी रात में ना बनाओगे ना ही खाओगे, और अगर तुम मांसाहार करते भी हो तो दिन में बनाना, और बनाने के बाद अगर मांसाहार बच भी जाए तो उसे तुम रात तक अपने पास मत रखना, उसे दूर उधर जाकर फेंक देना। उसने सामने एक ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये बात सुनील को थोड़ी अजीब लगी। सुनील ने कहा, अगर खाना बच जाए तो फेंकना क्यों है? लेकिन उस सुबह के चौकीदार ने कहा, तुम्हें खाना नहीं फेंकना है, लेकिन अगर तुम किसी दिन नॉनवेज बनाते हो और उस नॉनवेज में से कुछ बच जाता है, वो तुम्हें उधर ले जाकर फेंकना है। तुम वो नॉनवेज शाम होने तक अपने घर में नहीं रख सकते, उसे खा नहीं सकते, किसी भी हालत में ये गलती मत करना। ये सारी बातें सुनील को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन सुनील ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। उसने उस सुबह के चौकीदार की बातों में हाँ मिला दिया, क्योंकि वैसे भी ना तो उस नॉनवेज में उसके पैसे लगने वाले थे ना ही बाकी के राशन में, तो अगर वो खुद कह रहा है कि उसे खाना मत फेंक देना तो क्या दिक्कत है, फेंक दूंगा, फिर जब मुझे चाहिए होगा मैं उससे मांग लूंगा और फिर मैं खा लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सारी चीज़ें देखकर जानकर सुनील ने तुरंत ही उस चौकीदार से कहा कि मैं क्या आज से ही ज्वाइन कर सकता हूँ यहाँ पर? इस पर सुबह के चौकीदार ने कहा, ये बात तो तुम उस मालिक से जाकर पूछ लो, अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं हूँ, मैं भी यहाँ तुम्हारे तरह काम करने वाला ही एक इंसान हूँ। ये बात सुनकर सुनील तुरंत भागा भागा अपने मालिक के पास पहुँच गया और उसने अपने मालिक से बात की। उन्होंने कहा, हाँ तुम कर तो सकते हो, लेकिन तुमने तो देख ही लिया है ना, वो जगह शहर से कितनी दूर है, अब तुम फिर जाओगे रात हो जाएगी, उससे अच्छा आज तुम जाओ अपने घर पर आराम करो, तुम्हें आज के भी पैसे मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, और कल से तुम उस जगह पर सुबह ही पहुंच जाना, ताकि तुम रात को दिन भर आराम करके खा पी के रात को समय से अपना काम शुरू कर सको। ये बात सुनकर सुनील काफ़ी खुश हुआ। आज वहाँ ना जाकर भी सुनील के पैसे बनने वाले थे। सुनील को ये बात काफ़ी अच्छी लगी। सुनील तुरंत अपने घर पर पहुँच गया। उसका दोस्त भी नौकरी ख़त्म करके आ चुका था। दोनों बैठकर सारी बातें कर रहे थे। सुनील ने सारी बात अपने दोस्त को बता दी और उसने ये भी बता दिया कि वो
कल सुबह ही अपना सारा सामान लेकर वहां उस घर पर चला जाएगा। फिर सुनील के दोस्त ने कहा, ठीक है भाई, जा तो रहा है और तुझे 6 महीने तक छुट्टी भी नहीं मिलने वाली, तो तू तो इधर शायद ही आ पाएगा। देखता हूँ, मुझे ही अगर वक्त लगेगा तो मैं वहाँ पर तुझसे मिलने आ जाया करूँगा। इस पर सुनील ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाना, तुझे तो छुट्टी मिलेगी ना, तो तू अपने छुट्टी वाले दिन आ जाना, हम लोग दोनों दोस्त वहाँ आराम से बैठकर खाना पार्टी जो भी करना होगा वो करेंगे। वैसे भी वहाँ पर सारा राशन फ्री है और मुझे वहाँ के चौकीदार ने कहा भी है कि जब भी मेरा राशन ख़त्म होने लगे उसके 1 हफ्ते पहले मैं उसे बता दूँ, वो पूरे महीने का राशन लाकर भर कर जाएगा। ये बात सुनकर वो दोस्त भी काफ़ी खुश हुआ और अगले दिन सुनील अपना सारा सामान लेकर वहाँ पर पहुँच गया। जब सुनील वहाँ पर पहुँचा तो दिन का चौकीदार वहीं पर था। सुनील अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने खाना पीना बनाया और उसने उस दिन के चौकीदार को भी खाना खाने के लिए अपने साथ बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा वो दिन में खाना नहीं खाता है और वो सीधे शाम को ही जाकर घर पर खाना खाता है। ये बात सुनील को थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन सुनील ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुनील खाना खाकर आराम करने लगा क्योंकि उसे रात भर जागना था। सुनील की आँख तुरंत लग गई। जब उसकी आँख खुली करीब करीब शाम के 6:30 बज चुके थे। अब सुनील नहा धोकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार था क्योंकि उसका काम शाम के लगभग 7:30 बजे से शुरू हो जाना था। सुनील जब 7 बजे अपने काम की जगह पर पहुंचा, तो वो दिन का चौकीदार वहां से पहले ही जा चुका था। सुनील भी वहां पर रखी हुई चेयर पर आराम से बैठ गया और बैठकर सब कुछ इधर उधर देखने लगा। रात में वहां पर काफ़ी अंधेरा था, कोई लाइट्स भी नहीं थी, लेकिन सुनील वहां पर बैठे बैठे करता तो क्या करता। सुनील जैसे तैसे अपना समय बिता रहा था। सुनील को ये बात अच्छे से पता थी, वहाँ दूर दूर तक उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। आज रात जैसे तैसे सुनील की गुजर गई और रात काफ़ी अच्छे से बीती क्योंकि लगभग रात के 12:30 बजे सुनील को नींद आने लगी। सुनील का पहला दिन था। सुनील को ये बात अच्छे से पता थी कि वहाँ दूर दूर तक ना कोई रहता है ना कोई आता जाता है, इसलिए सुनील चुपचाप वहीं पर एक चटाई डालकर सो गया। सुनील की आँख सुबह सीधे 5 बजे खुली और सुनील वापस से वो चटाई फोल्ड करके साइड में रख कर चेयर पर बैठ गया। सुबह के 6:30 बज चुके थे। अब सुनील को अपने कमरे पर जाना था। सुनील अपने कमरे पर चला गया। वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था और उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसने पता नहीं कहाँ कितनी मजदूरी की हो। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो तो रात भर आराम से सोया हुआ था, फिर भी उसे इतनी थकावट क्यों हो गई है। लेकिन सुनील ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो थोड़ा बहुत कुछ खा पी कर फिर से सोने लगा। और अब आज भी उसकी नींद कल की ही तरह शाम को ही खुली। जब वो उठा तब उसने नहा धोकर अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया। जो भी खाना पीना था वो खा पी कर अपने काम पर पहुंच गया और आज भी उसे वैसे ही रात में नींद आ गई। रात में वो फिर से वैसे ही चटाई डालकर सो गया। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता गुजर चुका था। आज भी रोज की ही तरह सुनील अपने काम पर समय से ही आ चुका था। वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे कि वो पिछले 1 हफ्ते से करता आ रहा था। आज भी अचानक सुनील की आंख लगी, वो सो गया, लेकिन फिर कुछ आवाज़ें, अजीब अजीब सी आवाज़ें
अंदर मॉर्चरी से आने लगी। जिन आवाजों को सुनकर सुनील की आंख खुल गई। जब सुनील की आंख खुली तो उसे मॉर्चरी के अंदर से चीजों के उठा पटक करने की आवाजें आ रही थी, जो सुनकर सुनील को थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन फिर उसे दिन के पहरेदार की बातें याद आ गईं। उसे ये याद आया कि यहाँ पर चूहे भी हैं। तो सुनील ने यही सोचकर कुछ भी खास रिएक्शन नहीं दिया। वो इन आवाज़ों को अवॉइड करके फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन सुनील को अब नींद नहीं आ रही थी और सुनील को काफ़ी भूख सी लग रही थी। सुनील ने खाना बनाना शुरू किया। जब सुनील खाना बना रहा था तब उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उससे कोई ये कह रहा है कि क्या तुम खाना अकेले अकेले खाओगे, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना दे दो। सुनील ने अपने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई भी कहीं भी नज़र नहीं आया। और फिर सुनील ने आवाज़ देकर पूछना शुरू किया, कौन है भाई, किसको भूख लगी है, आ जाओ मेरे पास बहुत सारा राशन है, साथ में मिलकर बैठकर खाएंगे। लेकिन फिर से आवाज़ आई जिस आवाज़ ने ये बताया कि मैं अंदर हूँ, यहाँ मॉर्चरी के अंदर, दरवाज़ा खोलो और मुझे भी अपने साथ खाना खाने दो। ये सुनते ही सुनील को थोड़ी सी घबराहट हुई लेकिन उसे लगा उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। सुनील ने कहा, भाई दरवाज़ा तो हम नहीं खोलेंगे क्योंकि दरवाज़ा हमें खोलना सख्त मना है। अगर तुम्हें खाना खाना ही है तो चाहे जैसे भी खा लो, और अगर तुम्हें ज़्यादा ही लगता है तो हम तुम्हारे दरवाजे के ही बाहर खाना रख देते हैं, कैसे खाओगे ये खुद ही देख लो। ये कहकर सुनील ने पता नहीं क्यों लेकिन मजाक मजाक में ही एक थाली भर कर वहाँ पर खाना रख दिया और खुद खाना खाने बैठ गया। सुनील ने खाना खाकर ख़त्म किया, वापस आकर फिर से उसे नींद आई और वो सो गया। अगले दिन सुबह जब सुनील की आंख खुली तब सुनील ने देखा उस थाली में खाना नहीं बचा हुआ था। सुनील को वो थाली देखकर ये लगा कि जो मुझसे रात में मजाक कर रहा था शायद उसी ने ये खाना खा लिया होगा। और सुनील ने इस बात को आई गई कर दिया। वहाँ से वो थाली उठाकर अपने कमरे की तरफ चला गया और रात का बना हुआ खाना थोड़ा बचा हुआ था उसने वही खाना खाया और सोने के लिए चला गया। फिर उसकी आँख सीधे शाम को खुली। अब लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। यही सिलसिला रोज चलता रहा लेकिन अब मॉर्चरी के अंदर से ये आवाज़ आती कि खाना तुम बाहर रखते हो, मुझे खाने में तकलीफ होती है, इसलिए तुम दिन में ही सही लेकिन खाना अंदर रखा करो। सुनील इन चीज़ों में ज़्यादा मानता नहीं था, इसलिए सुनील को ऐसा लगता था कि ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, बाहर रखो अंदर रखो, वैसे भी मेरे पास चाबी रहती है, 7 बजे जब मैं जाऊंगा मैं वहां पे खाना रख दूंगा, उसके बाद मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी दिन में तो वो दरवाज़ा खोल करके अपनी साफ़ सफ़ाई करता ही है ना, तो वो साफ़ सफ़ाई करने के लिए जब दरवाज़ा खोलेगा मैं थाली निकाल लिया करूँगा। और अगले दिन से सुनील ने यही काम करना शुरू कर दिया। लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था। अब लगभग 4th हफ्ता शुरू हो चुका था। सुनील की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुनील का खाना बढ़ता जा रहा था। सुनील को हर वक्त अब एक अलग से भूख का एहसास रहता था। आज सुनील ने अपने लिए नॉनवेज बनाया था। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर नॉनवेज बच जाए तो उसे ये नॉनवेज फेंक देना है। लेकिन सुनील को वो आवाज़ याद थी। सुनील जैसे रोज नॉर्मल खाना उसके लिए रखा करता था। आज सुनील के मन में पता नहीं क्यों ये बात आई
कि अगर वो नॉनवेज खा रहा है तो उसे रखना भी नॉनवेज ही चाहिए। सुनील ने यही किया। उसने एक थाली भर कर वो नॉनवेज और राइस जो उसने खाया था वो उसने मॉर्चुरी के अंदर रख दिया। और वो जब अपने काम पर वहाँ आकर चेयर पर बैठा हुआ था तब उसे मुश्किल से आधा घंटा ही बीता होगा। उसे मॉर्चुरी के अंदर से आज ये उठा पटक की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर से कोई दरवाज़ा तोड़ रहा हो, और अगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो शायद वो दरवाज़ा सच में तोड़ देगा। अब सुनील ने आवाज़ देकर पूछना शुरू किया कि ये दरवाज़ा कौन ऐसे बजा रहा है। अंदर से आवाज़ आई, तू ही मुझे रोज़ खाना खिलाता है, आज भी तूने जो मुझे खाना खिलाया है मुझे वो खाना और चाहिए, या तो मुझे वो और लाकर दे या तो मैं ये दरवाज़ा तोड़कर बाहर आऊँगा और तुझे खाऊँगा। ये बात सुनकर सुनील काफ़ी डर चुका था, और ऐसे ही वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अचानक से वो दरवाज़ा सच में टूट गया। अगली सुबह जब सुबह का पहरेदार आया तो वहाँ उसे सुनील की लाश मिली, जिसे देखकर ऐसा समझ में आ रहा था कि उसे किसी ने नोच नोच कर खाया है। और जब उसने अंदर कमरे में जाकर देखा तो उसने देखा वहाँ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वो देखकर उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि सुनील जैसे कि रोज़ खाना रखता था उसने कल इतनी बड़ी गलती कर दी नॉनवेज रखकर। उस पहरेदार ने सुनील को ये बात अच्छे से समझाई थी कि अगर वो कभी नॉनवेज बनाए भी या खाए भी तो उसे किसी भी हालत में वो नॉनवेज वहाँ तक नहीं लाना है, उसे फेंक देना है। लेकिन ऐसा करने को क्यों बोला था ये बात उसने सुनील को नहीं बताई थी, और यही बात नहीं जानने के वजह से आज सुनील की जान जा चुकी थी। क्योंकि सुनील ने ऐसी शक्तियों को जागृत करने वाला ये सबसे बड़ा भोग होता है मांसाहार, जो खुद उन्हें देकर उन्हें अपने तरफ आकर्षित किया था। ये थी सुनील की सबसे बड़ी गलती, जिस गलती ने उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सब से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।